प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारी थे, वो लोग सजा लोग उसमें समझा दिए, हम लोगों ने वहाँ करना ही नहीं है। तो अगर कोई प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारी थे, वो लोग सजा लोग उसमें समझा दिए, हम लोगों ने वहाँ करना ही नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट अगर मिल जाता है कोरोना पेशेंट, तो हम लोग आज वहाँ मॉक ड्रिल का ट्रेनिंग वहाँ ट्रेनिंग किए कि अगर कोई पेशेंट अगर सस्पेक्टेड पेशेंट COVID-19 का मिल जाता है तो उस क्या प्रोटोकॉल कहता है और किस तरह से उसमें हम लोग काम करेंगे। तो वहाँ के बाद हम लोग ये करनू पंचायत है ना, मुरली टॉक पंचायत, उसका गोविंदपुर गांव में आए। यहाँ एक व्यक्ति को हम लोगों ने कोरोना का सस्पेक्टेड पेशेंट बनाया और उसके बाद उससे हम लोगों ने पूछताछ किया कि भाई आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए, आने के बाद किन किन लोगों से आप मिले, किससे फिजिकल संपर्क हुआ, इत्यादि जानने के बाद हम लोगों ने उसे एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग का जो एम्बुलेंस है उससे इलाज हेतु कोविड हॉस्पिटल ले गए। और साथ ही साथ जितने भी रास्ते थे यहाँ आने जाने के, उन रास्तों को है सो ब्लॉक करवा दिया गया। फिर 3 किलोमीटर रेडियस में इसको कंटेनमेंट जोन बना के हर घर में जो आंगनबाड़ी की सहिया और NM है उसके माध्यम से सर्वे करवा रहे हैं ताकि इससे ये पता चल जाए कि किसी भी घर में और इसका संक्रमण तो नहीं हुआ, किसी और मरीज में सर्दी खांसी या इस तरह का बुखार तो नहीं आया। साथ ही साथ ही हम लोग इस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर रहे हैं, नगर पालिका से हम लोगों ने ये बुलवा लिया है। नमस्कार, झारखंड TV में आपका स्वागत है। तो ये पूरा इस खबर को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम था कि अगर कोई सस्पेक्टेड हमारा मिल जाता है ना, तो ओवरऑल हम लोग किस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम लोग किस तरह का काम करेंगे ताकि कोविड का जो पेशेंट है उससे संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैले और उसका सही तरीके से सही जगह पर इलाज हो सके। इसी का आज मॉक ड्रिल था जो बहुत ही सफल तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ संपन्न करवाया।